Good morning students, this video is called Standard 8 Subject Sets. In this video lecture, we will go ahead in our chapter number 11, Force and Friction. In last lecture, we have studied that what is force and its effects. यानी कि force क्या होता है और उसकी effects क्या होती है. वो shape को change कर सकता है, object के उसकी motion को change कर सकता है. तो इसमें हमने पढ़ना है कि फोर्स कितने टाइप का होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है कॉन्टेक्ट फोर्सेस. कॉन्टेक्ट फोर्सेस यानी कि ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने चाहिए. तो उसमें सबसे पहले दिया है मस्क्यूलर फोर्स. कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइन ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट? कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? जनरली टू अप्लाई अ फोर्स एन ऑब्जेक्ट, योर बॉडी हैज टू बी कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट. अगर किसी चीज को आपको मूव करना है, हटाना है, उठाना है, तो आपको उसको टच करना पड़ेगा. विदाउट बीइंग इन कॉन्टेक्ट यू कैन नॉट लिफ्ट एनी बकेट और एनी ऑब्जेक्ट. द कॉन्टेक्ट में ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक और अ पीस ऑफ रॉड. हाँ, अगर अपन आप हाथ से नहीं करोगे, कोई दूसरी चीज जैसे कि स्टिक है, रोप से, लेकिन कॉन्टेक्ट में तो आना ही चाहिए. We will push an object like a school bag, lift a bucket of water. Where does the force come from? This force is caused by the action of muscles in our body. हमारे body के जो muscles हैं, उनमें जो action होती है, उसकी वजह से ये force create होता है. The force resulting due to the action of muscles is known as the muscular force. यानी जो हमारे body के muscles के actions के through generate होता है, वो फोर्स होता है मस्कुलर फोर्स. इट इज अ मस्कुलर फोर्स दैट इनेबल्स अस टू परफॉर्म आवर एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ आवर बॉडी. प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड गेट्स पुश्ड थ्रू द एलिमेंट्री कैनल. कुड इट बी अ मस्कुलर फोर्स दैट डज इट? यू आल्सो नो दैट लंग्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल वी इनहेल एंड एक्सहेल एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग. वेयर आर दिस मसल्स लोकेटेड व्हिच मेक ब्रीदिंग पॉसिबल? Can you list a few more examples of the force exerted by the muscles in our body? आगे के चैप्टर में हमने देखा हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, जैसे कि ब्रीदिंग हो रही है, डाइजेशन हो रही है. तो इन सब में जो फोर्स लगता है वो भी कहाँ से जनरेट होता है? हमारी बॉडी के मसल्स के थ्रू जनरेट होता है. एनिमल्स ऑल्सो मेक यूज ऑफ मस्क्यूलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर टास्क. एनिमल्स लाइक बुलॉक्स, हॉर्सेस, डोंकीज एंड कैमल्स आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क. For us, in performing this task, they use muscular force. यानी वो भी अलग अलग activities करने के लिए muscular force को use करते हैं, जैसे कि हम horse या फिर bullock है उनको हमारे purpose के लिए use कर रहे हैं, तो वो जब हमें help करते हैं तो उनमें भी उनका कौन सा force use होता है? Muscular force. Since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, it is also called a contact force. And there are other types of contact forces, let us find out. यानी कि मस्कुलर फोर्स को जनरेट करने के लिए बॉडी का ऑब्जेक्ट के टच में आना जरूरी है, इसलिए हम उसे कौन सा फोर्स बोलते हैं? कॉन्टेक्ट फोर्स. नाउ दूसरा कौन सा कॉन्टेक्ट फोर्स है? फ्रिक्शन. रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस. अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोस डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट. When you stop pedaling a bicycle, it gradually slows down and finally comes to a stop. A car or a scooter also comes to rest once its engine is switched off. Similarly, a boat comes to rest if we stop rowing it. Can you add some more such experiences? In all this situation, no force appears to be acting on the objects, yet their speed gradually decreases and they come to rest after some time. क्या एग्जांपल देखे हमने कि जैसे कि कार में वो चल रही थी और अगर आप ब्रेक लगाओगे तो धीरे मतलब कि उसका इंजन बंद करोगे तो धीरे धीरे वो बंद हो जाएगी. फिर दूसरा क्या है, अगर आपने बॉल ग्राउंड में फेंका है तो थोड़ी देर तक वो मूवमेंट करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्पीड में वो स्लो होती जाएगी और एक टाइम पे वो स्टॉप हो जाएगा. यहाँ हम कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, फिर भी उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होता है. तो वो कौन से फोर्स की वजह से होता है? व्हाट वाज द चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन? कुड सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन देम? कैन यू गेस द डायरेक्शन इन व्हिच द फोर्स मस्ट बी acting? In each case, the force responsible for changing the state of motion of objects in all this example is the force of friction.
फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होता है. इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट. यानी कि जो मूविंग बॉल है वो किसके कॉन्टेक्ट में आ रहा है, सरफेस के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नाम का फोर्स कनेक्ट होता है, उसकी वजह से उसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो जाती है. अगर आपको फ्रिक्शन को अच्छे से समझना है तो आप ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोई एक रोड है, मतलब कि गांव का रोड है, वहां पे आपको कुछ चलाना है और दूसरा एकदम ही स्लिप, मतलब कि एकदम ही रोड जो है बिना रुकावट वाला है, एकदम स्ट्रेट रोड है, वहां पे व्हीकल चलाए, तो दोनों में से फास्ट कौन सी जगह पे चलेगा, जो बिल्कुल ही स्ट्रेट है वहां पे. क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन कम होता है और जो टेढ़ा मेढ़ा रोड होता है या पत्थर वाला होता है वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा रहता है. तो जो बाइक है या कोई दूसरा व्हीकल है या दूसरा ऑब्जेक्ट है वो अच्छी तरह से मूव नहीं कर पाता. तो इन दोनों के बीच में जो सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स क्रिएट होता है वो क्या होता है, फ्रिक्शन. It is the force of friction between the surface of the ball and the ground that brings the moving ball to rest. Similarly, friction between water and the ball brings it to a stop once you stop throwing. The force of friction always acts on all the moving objects and its direction is always opposite to the direction of the motion. Uski direction kaun si hoti hai? Opposite side. Jis direction mein motion hoti hai uski opposite side friction force lagta hai. Since the force of friction arises due to contact between surface, it is also an example of contact force. You may be wondering whether it is essential for agent applying a force on an object to be always in contact with us. Let us find out. यानी कि जब ये force apply करना है, उसके contact में रहना जरूरी है कि नहीं? Take a pair of bar magnets. Place the longer side. अभी activity 11.6 है, उसमें आपको तीसरे force कौन से? North अरे contact force में जो तीसरा force है, magnetic force, उनके बारे में समझाने की कोशिश की गई कि उसमें क्या हो रहा है, कि जो object और दूसरा जिस वो force दे रहा है, दोनों एक दूसरे के contact में नहीं आ रहे, फिर भी state of motion change हो रहा है. जैसे कि क्या करना है, take a pair of bar magnets. Place the longer side of one of the magnets over three round shaped pencils or wooden rollers as shown in figure 11.10. Now bring the end of the other magnet near the end of the magnet placed on the rollers. Make sure that the two magnets do not touch each other. Observe what happens next. Bring the other end of the magnet near the same end of the magnet placed on the rollers. Note what happens to the magnet placed on the rollers every time another magnet is brought near. यानी कि दो मैग्नेट को आप अलग अलग तरीके से रख के एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लाने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, वो ऑब्जर्व करना है. डज द मैग्नेट ऑन द रोलर्स बिगन टू मूव व्हेन द अदर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट. ये आपने घर पे भी देखा, जो चुंबक होता है मैग्नेट, अगर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लाने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, आप सिर्फ उसके नजदीक ले जाते हो तो उसको वो अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है. Does it always move in the direction in the approaching magnet? What do these observations suggest? Does it mean that some force must be acting between the two magnets? Yes. इन दोनों के बीच में कोई force है वो create हो रहा है, act कर रहा है. तो वो कौन सा force है? कौन सा force है? Magnitude, magnetic force. You have learned in class 6 that like poles, magnet के two poles होते हैं. North pole and south pole. तो उसकी जो लाइन, जैसे कि north north, south south, क्या करते हैं? Repel each other and unlike poles attract each other. जो unlike poles, जैसे कि एक south है, north है, तो दोनों को क्या करते हैं? Attract करते हैं. और जो like poles हैं, वो दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं. Attraction or repulsion between objects can also be seen as another form of pull or push. क्या है? एक है एक दूसरे को pull कर रहे हैं और दूसरा क्या करते हैं? एक दूसरे को push कर रहे हैं. Do you have to bring the magnets in contact for observing the force between them? A magnet can exert a force on another magnet without being in contact. यानी कि उसको touch किए बिना ही उसपे force apply करता है. The force exerted by a magnet is an example of non-contact force. Similarly, the force exerted by a magnet on a piece of iron is also non-contact force. अगर ये तो हमने दोनों मैग्नेट के बीच में फोर्स लगाया, लेकिन अगर आपके पास मैग्नेट है और आप
उसको कोई भी लोहे की चीज है, लोहे की चीज है उसके पास ले जाने की कोशिश करोगे तो भी उसको क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा यानी चिपक जाएगा। तो वो भी क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स। नाउ सेकंड है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स, अ स्ट्रो इज सेड टू हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टेटिक चार्ज आफ्टर इट हैज बीन रबर्ड विद अ शीट ऑफ पेपर। सच अ स्ट्रो इज एन एग्जांपल ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स क्या होता है, एक जिसमें चार्जिंग किया गया है दूसरे पर वो नॉन चार्ज हो गया वो रिएक्ट करता है उसे इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स कहते हैं। दिस फोर्स कम इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कांटेक्ट। द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। वी विल लर्न मोर अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस इन चैप्टर 15। नाउ थर्ड नंबर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यू नो दैट अ कॉइन और अ पेन फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड। अगर आपके हाथ में से कुछ भी चीज गिरती है तो वहां पे जाके गिरती है सरफेस पे यानी कि नीचे अर्थ पे, तो अर्थ उसको क्या सब चीजों को क्या कर रही है, पुल कर रही है, तो वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। लीव्स एंड फ्रूट्स आल्सो फॉल टू द ग्राउंड व्हेन दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इट इज सो, व्हेन द कॉइन इज हेल्ड इन योर हैंड इट इज एट रेस्ट। अगर कॉइन आपके हाथ में है तो वो रेस्ट पे है। As soon as it is released, it begins to move downwards. It is clear that the state of motion of the coin undergoes a change. Can this happen without force acting on it? Which is the force? Objects or things fall towards the earth because it pulls them. क्योंकि अर्थ है उन्हें पुल कर रही है। This force is called the force of gravity or just gravity. This is an attractive force. The force of gravity acts on all objects. The force of gravity acts on all of us the time without our being aware of it. यानी कि हमें पता हो कि ना पता हो, always जो gravitational force है हमारे ऊपर होता ही है। इसकी वजह से तो हम नीचे खड़े रह पाते हैं। जैसे कि अंतरिक्ष में, space में gravitational force नहीं है, तो वहाँ कोई भी ऐसे खड़े नहीं रह सकता है, सब उड़ता ही रहता है। Water begins to flow towards the ground as soon as we open a tap. Water in rivers flows downward due to the force of gravity. Gravity is not a property of the earth alone. In fact, every object in the universe, whether small or large, exerts a force on every other object. This force is known as the gravitational force. यानी कि earth का space में जितने भी object हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर force लगा रहे हैं। वो सारा force क्या होता है, gravitational। Now, अब तक हमने पढ़ा फोर्स के बारे में। अभी सेकंड क्वेश्चन है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, वो भी फोर्स से ही कनेक्टेड होता है। यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट स्ट्रॉन्ग विंड्स ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और अ साइक्लोन कैन ब्लो अवे इवन द रूफ टॉप्स। यानी कि जो साइक्लोन आता है जो रूफ टॉप्स को भी फेंक सकता है। यू ऑल्सो लर्न दैट विंड्स एंड साइक्लोन्स आर कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर। इज देयर अ रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स, let us find out. Try to push a nail into a wooden plank by its head. अगर आपको लकड़ी में नेल है उसको फिट करना है, फिक्स करना है, तो क्या करना है, आपको उसका जो हेड है उसे आप वुडन प्लैंक पे रखोगे और फिर करने की ट्राई करोगे तो नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, आपको उसका जो पॉइंटेड भाग है, पॉइंटेड पार्ट है, उसको ही वुडन प्लैंक में फिट करना पड़ेगा। Could you do it this time? Try cutting vegetables with a blunt knife. यानी कि जिस जो sharp नहीं है, वैसी अगर आप knife से vegetables या तो fruit cut करने की try करोगे तो वो भी नहीं होगा। Do you get the feeling that the area over which the force is applied, for example the pointed end of the nail, plays a role in making this task easier? यानी कि जो nail है, उसका head है, उसका surface या तो उसका area क्या है? ज्यादा है, और जो पॉइंटेड है उसका पॉइंटेड पार्ट उसका एरिया क्या है, कम है, तो दोनों में डिफरेंस है तो वो इफेक्ट करता है। यस, अगर सरफेस ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, लेकिन अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट ऑफ एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन व्हिच इट। At this stage, we consider only those forces which act perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed. यानी
जो जिसमें हम प्रेशर लगा सकते हैं परपेंडिकुलर पर वही हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे. नोट दैट द एरिया इज इन द डिनोमिनेटर इन द अबव एक्सप्रेशन सो द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर. जितना एरिया स्मॉलर होगा प्रेशर उतना ज्यादा लगेगा. Can you explain now why shoulder bags are provided with broad straps and not thin straps? यानी कि जब आपकी shoulder bag है वो उसकी जो straps है वो बड़ी क्यों होती है? क्योंकि उसकी वजह से आपको pressure ज़्यादा ना लगे. And why the tools made for cutting and patching always have sharp edges? क्योंकि sharp edges की वजह से उसका जो area है वो कम हो जाएगा तो उसकी वजह से pressure ज़्यादा लगेगा. ये थे प्रेशर और प्रेशर अब पढ़ना है. प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैस यानी लिक्विड या तो गैस है वो भी प्रेशर क्रिएट करता है. इसके लिए आपको कुछ एक्टिविटी दी गई है जहाँ पे 11.8 है एक्टिविटी. उसमें क्या है आपको एक कंटेनर लेना है. कंटेनर में एक जगह पे यानी कि जिस जहाँ पे उसका पार्ट है खुला हुआ वहाँ पे आपको रबर शीट लगा देनी है. अगर फिर आप उसमें पानी ऐड करोगे तो क्या होगा जो रबर शीट है वो एक्सपांड करेगी वो बल्ज करेगी यानी कि जो पानी है वो भी क्या करता है प्रेशर क्रिएट करता है. फिर दूसरी एक्टिविटी में एक बॉटल दी गई है जिसमें एक साइड पे आपको जैसे फिगर 11.15 में दिखाया गया है वैसे एक ग्लास की ट्यूब है आपको नीचे की साइड बॉटल से थोड़ा ऊपर फिट करनी है और वहां पे भी एक रबर शीट लगानी है. तो आप जैसे जैसे आप पानी ऐड करते जाओगे वो रबर शीट है वो फूलना स्टार्ट करेगी. और जो थर्ड एक्टिविटी गई है 11.10 में उसमें क्या करना है होल बनाना है जो बॉटल है उसमें और अगर आप पानी डालोगे तो अलग अलग साइड से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा. कैन यू नाउ से दैट लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर? यस, जो कंटेनर की वॉल है उस पर वो क्या करता है प्रेशर को एग्जर्ट करता है. अभी ये प्रेशर ऑन गैस When you inflate a balloon, why do you have to close this mouth? यानी जब आप बलून को फुलाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है उसका जो माउथ है उसको बंद करना पड़ता है वरना जो प्रेशर है वो बाहर निकल जाएगा तो हवा है जो बाहर निकल जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा. Gases do exert pressure on the walls of their container. Now atmospheric pressure. अब atmospheric pressure क्या होता है? सबसे पहले तो atmosphere यानी air all around us, the envelope of air is known as the atmosphere. जो हवा का आउटर है हमारी चारों तरफ उसे क्या हम बोलते हैं atmosphere. The atmospheric air extends up to many kilometers above the surface of the earth. The pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. यानी जो हवा है वो जो pressure create करती है उसे हम क्या बोलते हैं atmospheric pressure. We know that pressure is force per unit area. If we imagine a unit area in a very long cylinder standing on it filled with air, then the force of gravity on the air in this cylinder is the atmospheric pressure. But how large or small is the atmospheric pressure? Let us get an idea about its magnitude. Now, what is magnitude? जो उसकी strength या force की उसे indicate करने के लिए जो unit use होता है, उसे क्या बोलते हैं magnitude. यहाँ पे जो activity दी गई है, उसमें आपको क्या लेना है? Rubber circle. Rubber circle एक type का जो रबर कब होता है वैसा ही होता है. तो अगर आप उसको क्या करोगे प्रेस इट हार्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन सरफेस रेजिस्ट स्टिक टू द सरफेस. हाँ, जो रबर का होगा तो वो क्या हो जाएगा उसके साथ चिपक जाएगा. मतलब कि वो चिपकता नहीं है लेकिन जो हवा का जो प्रेशर होता है उसके साथ वो कनेक्ट होता है और उस पर फोर्स लगता है. फिर अगर आप उसको निकालने की कोशिश करोगे तो आसानी से नहीं निकलेगा आपको बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. When you press the sucker, most of the air between its cup and the surface escapes out. यानी कि जो हवा होती है वो सारी बाहर निकल जाती है. The sucker sticks to the surface because the pressure of atmosphere acts on it. To cool the sucker off the surface, the applied force should be larger enough to overcome the atmospheric pressure. यानी कि आपको बहुत ज्यादा उसमें प्रेशर लगाना पड़ेगा. This activity might give you an idea about the magnitude of atmospheric pressure. In fact, it would not be possible for any human being to pull the sucker off the surface if there were no air at all between the sucker and the surface. अगर सारी ही air हवा है उसमें से निकल गई है surface और sucker के बीच में से
तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा उसको उठाना. Does it give you an idea how large the atmospheric pressure is? The force due to air in a column of the height of the atmosphere and area 50 cm to 50 cm is nearly equal to the force of gravity on an object of mass 25 kg. The reason we are not crushed under this force of gravity is that the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure and balances the pressure from outside. हमारी जो बॉडी है वो बैलेंस में क्यों रहती है, क्यों ग्रेविटी से ऐसे रिएक्ट नहीं करती है, क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसमें भी क्या होता है, जनरेट एटमोस्फेरिक फोर्स है, वो जनरेट होता है, इसीलिए हम बैलेंस में रह के सारा वर्क कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने पढ़ा फोर्स के बारे में और प्रेशर के बारे में. आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं. थैंक यू.